नीतीश सरकार के आनंद से विरोधियों का खत्म हुआ आनंद। अब आलोचक चाहे जो भी कहें, पर बाहुबली नेता आनंद मोहन की जेल से रिहाई ने नीतीश सरकार के तरकश में उस तीर को ला दिया है जिसके दम पर भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाया जा सकता है। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश सरकार की सियासी मंशा साफ है, लेकिन बीजेपी चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही है। स्थिति यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो आनंद मोहन को बेचारा बताते हुए कहा कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आनंद मोहन की आड़ में जिन्हें सरकार ने छोड़ा है वो सही नहीं है। यानी कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता के तरफ से भी इस मामले में कोई भी फायर देखने को नहीं मिला। इस मामले पर गिरिराज सिंह के बयान से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी काफी एहतियात बरत रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजपूत समाज ये मान ले कि बीजेपी इस समाज के ही खिलाफ है। इसीलिए बीजेपी काफी बच बचा कर कदम उठा रही है। आपको बता दें कि आनंद मोहन ने 90 के दशक में राजपूत और सवर्णों की राजनीति कर बिहार में खूब सुर्खियां बटोरी थी। वहीं कोसी इलाके में वो एक बड़े दबंग राजपूत नेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। चूंकि सवर्ण जाति के लोगों पर इनका दबदबा देखने को मिलता था, इसीलिए वोटों की मजबूरी ने बीजेपी की चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया। वैसे भी बिहार में राजपूत एक प्रभावशाली जाति है, जिसके कारण भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल इस समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश में है। देखें तो राजपूतों की आबादी बिहार में करीब 6-8% है, वहीं राज्य की करीब 30-35 विधानसभा सीटों और 7-8 लोकसभा सीटों पर राजपूत जाति जीत या हार में निर्णायक भूमिका निभाती रही है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों इस जाति को समय समय पर अपने फैसलों के जरिए अपने साथ लाने की कोशिश करती रही है। अगर 2019 के लोकसभा चुनावों पर नजर दौड़ाएं तो बीजेपी ने 5 राजपूतों को टिकट दिया था और ये सभी जीतकर संसद पहुंचे थे। पूर्व चंपारण से राधा मोहन सिंह, आरा से आरके सिंह, छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी, औरंगाबाद से सुशील सिंह और महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल सांसद है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 28 राजपूत विधायक जीते थे, जिनमें बीजेपी से 15, जदयू से 2, आरजेडी से 7, कांग्रेस से 1, वीआईपी से 2 और 1 निर्दलीय है। यानी कि भाजपा के तरफ से राजपूत उम्मीदवारों का चुनाव में डंका देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं राजपूत समुदाय के लोगों पर भाजपा के इसी प्रभुत्व को खत्म करने की कोशिश नीतीश सरकार के द्वारा की जा रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में 2 प्रमुख सवर्ण जातियाँ हैं, भूमिहार और राजपूत। इनमें भूमिहार समुदाय पारंपरिक बीजेपी मतदाता है, जबकि राजपूत समुदाय पहले आरजेडी के समर्थक में था, लेकिन देश में भाजपा की बढ़ती ताकत और मोदी लहर के बीच बिहार में राजपूत समुदाय फिलहाल बीजेपी के कोर वोटर बन गए हैं। चूंकि महागठबंधन में कोई बड़ा राजपूत चेहरा नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को जेल से रिहा कर कहीं न कहीं भाजपा के खिलाफ ब्रह्मास्त्र चला दिया है। बता दें कि आनंद मोहन सिंह सवर्ण नेता हैं और खासकर राजपूत जाति से आते हैं। यही वजह है कि नीतीश सरकार आनंद मोहन की रिहाई कर बड़ा दाव खेला है। वैसे भी राजपूत समुदाय और उनके समर्थक एक समय में आनंद मोहन को रॉबिन हुड कहते थे। ऐसे में महागठबंधन अब आनंद मोहन की मजबूत छवि का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। अब देखना यह है कि चुनावों में नीतीश सरकार का यह दाव कितना सफल साबित होता है।